तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू बेल रूम के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40, जो आपको सभी दोस्तों के साथ मिलकर करना है। और साथ में लाइक का टारगेट होता है 1K। अगर आप ये टारगेट पूरा करवा देते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं और भी जल्दी लेकर आऊँगा। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर फुजिता और मीको दोनों जो है डांस कंपटीशन में उन्होंने पहला राउंड जो है वो पार कर लिया है। अब आगे के राउंड उन्हें खेलने होते हैं। फुजिता डांस करके वापस लौटता है तो वो जो है देखने लगता है कि सेंगू कहाँ पर है। सेंगू उसे दिखाई नहीं देता। यहाँ फुजिता को एक एडवाइस लेनी है डांस के लिए, बट वो जो है यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि गाकू जो है सुजुकू के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर फुजिता जो है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि गाकू ने फर्स्ट प्लेस पे पहला राउंड जो है पार कर लिया है और वो भी उसकी पर्सनैलिटी देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है। वो कहता है कि इसके मूव जो हैं अब बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं मुझे, यानी गाकू जो है इसका डांस देखकर फुजिता का अब बहुत ज़्यादा सीरियस मूव कर रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जज होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये जो है किस किस का पेयर है। यहाँ पर कियोहारो की मॉम जो होती है वो जानती है सेंगू को। सेंगू जो है यहाँ पर कियोहारो को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर कियोहारो को देख लिया सुजुकू ने तो हो सकता है उसे कुछ अलग सा फील हो, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग जो है डांस करके वापस आते हैं। सुजुकू कहती है कि तुम्हारे मूव थोड़ा ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। यहाँ गाकू कहता है मुझे माफ़ कर देना, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बट मुझे एक परफेक्ट डांस दिखाना है कियोहारो की मॉम को। हम देखते हैं अगला राउंड जो होता है टैंगो का होता है। यहाँ फुजिता और मीको दोनों डांस करते हैं। यहाँ जो है वो बहुत ही अच्छा डांस कर रहे होते हैं। मीको सोचती है कि यहाँ पर फुजिता जो है वो बहुत एक्साइटेड स्टेप कर रहा है, क्योंकि फुजिता जो है यहाँ पर हार मानने वाला नहीं है। वो कहता है कि जितना भी मैंने आज तक सीखा है वो सभी मैं यहाँ पर दिखा कर रहूँगा। डांस के बाद हम देखते हैं कि फुजिता की जो है सांस फूलने लग जाती है, क्योंकि डांस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिसको आपको ध्यान रखना होता है, कि वो जो होता है वो एक स्टेमिना होता है। किसी भी डांसर का स्टेमिना बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी वो लंबे राउंड खेल सकता है और बहुत सारा डांस कर सकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोहारो कहता है कि इसका स्टेमिना बहुत ही अच्छा है। सेंगू कहता है इसका स्टेमिना वैसे तो एवरेज ही है, वैसे तुम उसके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि वो जो है एक बार पूरी रात जो है वर्ल्ड जेड नाम का डांस करता ही रह गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियोहारो कहता है कि वो तो अलग डांस है और ये अलग डांस है, इसमें जो है इसका डांस के अंदर स्टेमिना बहुत अच्छा है। कियोहारो के पेट के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से डांस कर रहा होता है। तब याद आता है सेंगू को कि वो जो है उसे एडवाइस देना ही भूल गया है, क्योंकि वो जो है एक बार जब डांस कर रहा था तो एक दिन में कम से कम 2 किलो जो है वो हटा देता है, यानी लूज़ कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेमिना लगता है इसके अंदर। और यहाँ पर फुजिता जो है इसके अंदर पहली बार आया है, तो हो सकता है वो अगर बहुत हार्ड स्टेप करे तो उसका वेट बहुत जल्दी ख़त्म होगा और उसके पेट में क्रैम्प्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है यहाँ पर भी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कियोहारो बोल रहा होता है उसे चुप कराता है वो, और अगली बार हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है स्टार्ट हो जाता है। बट अब जो है यहाँ पर फुजिता बहुत बुरी तरह से थक चुका है, वो नीचे बैठ जाता है। जब उसे मीको पानी का बोतल लाकर देती है ना, तो वो उस बोतल का ढक्कन भी खोल नहीं पाता है, क्योंकि उसके अंदर अब इतना दम नहीं रह गया है। वो अपनी सांसों को कंट्रोल में करता है। थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पर डांस को देखता है और वो सोचता है कि मैं जो हूँ मेरे पास इतना ही एक टाइम है कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। यहाँ पर जितने लोग हैं वो जो डांस कर रहे हैं वो सभी अच्छे हैं, और मैं दिल से अपने इन सब को अच्छा मानता हूँ, बट मैं भी अच्छा करना चाहता हूँ।
अगला जो डांस है वो क्विक स्टेप का है, जिसके अंदर आपको स्टेमिना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन होते हैं डांस के। अगर डांस करते वक्त आपके चेहरे पर दिख गया कि आपका स्टेमिना कम है, तो हो सकता है कि डांस से आप बाहर भी हो जाओ। इसीलिए फुजिता कहता है कि अब मैं पूरी तरह से डांस करूँगा, चलो चलते हैं मिको। और मिको का हाथ पकड़ कर वो जाने लग जाता है। यहाँ पर सेंगू उसे मना करता है डांस करने को, वो सेंगू को देखता है, बट हम देखते हैं कि वो जो है कुछ करना चाहता है। अगर वो उससे पहले मिल जाता तो वो उसे बता देता, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो है दोनों रुकते नहीं हैं, और यहाँ पर वो अपने सभी डांस के स्टेप को करना स्टार्ट कर देते हैं। फुजिता कहता है कि अब मैं अपने आप को यहाँ पर प्रूव कर सकता हूँ, मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी मेरे साथ है, माको, सुजुकू और गाकू, ये सभी जो है इनक्रेडिबल डांसर हैं, और मैं भी इन्हीं की तरह डांस करना चाहता हूँ, और मैं भी अपने लिए रिस्पेक्ट हासिल करना चाहता हूँ, मैं इन सभी की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। डांस करने के बाद वो यहाँ पर गिरने लग जाता है। यहाँ पर सेंगू आकर उसे पकड़ता है, तो वो जो है बहुत तेज तेज से रोना स्टार्ट कर देता है और नीचे बैठ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर गाकू जो होता है वो हंसने लग जाता है। उसे पता चल जाता है कि उसका स्टेमिना ख़त्म हो चुका है। मिको उसे जो है तेज से बोलकर भगाने का ट्राई करती है, बट यहाँ पर वो कहती है कि तुम जो हो ऐसे ही रहोगे हमेशा। तभी हम देखते हैं कि योहारू यहाँ पर आ जाता है। सुजुकू के पास ना जाकर वो सीधा फुजिता के पास जाता है। फुजिता को कहता है कि मुझे पता है कि तुम 100% गाकू को तो नहीं हरा सकते हो, तुम्हें जो है हराना वो है अपने आप को हराना है, तुम्हें किसी और को हराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना ज़्यादा अपने आप को हराते हो उतना ज़्यादा जो है अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हो। अगर तुम्हें हराना है अपने अपोनेंट को, तो तुम्हारा अपोनेंट जो है वो सुजुकू है। मैं ये सही बोल रहा हूँ ना? अगर तुम्हें सुजुकू को हराना है तो तुम उसे नहीं हरा सकते, तुम्हारा पार्टनर वो उसे हरा सकता है। यानी वो यहाँ पर मिको की बात करता है। बट ये सुनकर यहाँ पर सुजुकू को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। फुजिता सोचता है कि पता नहीं क्यों हारू अपने पार्टनर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है, सुजुकी उसी की तो पार्टनर है और वो उसे हराना क्यों चाहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जो है अकेले डांस करना पड़ेगा, तुम अकेले डांसर नहीं हो, तुम्हारा जो कंपटीशन है वो तुम्हारे और डांसरों से भी है, और जो तुम्हारा कंपटीशन है तुम्हारे पार्टनर का, उसका कंपटीशन सुजुकू के साथ है। तो यहाँ पर जो हमारा फुजिता है वो कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर गाकू और सुजुकू का डांस ख़त्म होता है। यहाँ पर जो हमारी सुजुकू है वो भी सोच रही होती है कि वो मुझे हरवाना क्यों चाहता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोहारू के पास आकर गाकू कहता है कि तुम सुजुकू को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। तभी उसकी मॉम यहाँ पर सेंगू के पास आ जाती है। वो यहाँ पर सेंगू कहता है अपने इस बिगड़ेल बच्चे को और तुम यहाँ से निकलो जल्दी से लेकर। हम देखते हैं गाकू का ध्यान जो है वो कहीं और ही होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर कियोहारू की मॉम होती है वो कहती है मुझे पता था कि नंबर 23 जो है सेंगू के साथ ही होगा, क्योंकि इसके स्टेप जो हैं तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत मैच कर रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा लगा। कियोहारू की मॉम सुजुकू को कहती है कि तुम भी अपना बेस्ट करना। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कियोहारू जो है फुजिता को कहता है कि तुम्हें जो है एक फ्रेम बनकर डांस करना पड़ेगा मिको के साथ, उसे तो समझ में नहीं आता है अभी। हम देखते हैं कि यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए सेंगू उन दोनों के साथ आया है, बट ये दोनों कहते हैं कि अगर हम हारते हैं तो हमारी गलती की वजह से हारेंगे। यहाँ पर मिको कहती है नहीं मेरी गलती की वजह से, और फुजिता कहता है नहीं मेरी गलती की वजह से। हम देखते हैं जज रूम के अंदर सभी जज यहाँ बैठे होते हैं। नंबर 15 को लेकर यानी सुजुकू और गाकू को लेकर पूरा क्लियर होते हैं कि वो फाइनल राउंड में जाने वाले हैं। तभी एक जज कहते हैं कि नंबर 23 जो था उसका डांस मैंने बहुत ही करीब से देखा, और जैसे ही मैंने उसका डांस देखना शुरू किया मुझे मेरा मन किया कि मैं और ज़्यादा उसका डांस देखूं, इसलिए मैंने उसे पास कर दिया है। और हम देखते हैं कि ये दोनों भी कंफ्यूज हैं कि इन्हें पास कर दिया गया है, क्योंकि जब ये दोनों डांस कर रहे थे तो उस जज के बहुत ही करीब थे। ये जज यहाँ का चीफ गेस्ट जज होता है, जिसे कि वो डांस देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सुजुकू है उदास होकर जा रही होती है, वैसे तो फाइनल में ये भी है बट उसकी बातों से उदास है। यहाँ पर फुजिता कहता है तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है कियोहारू, वो हो सकता है कि वो जो है ऐसे ही बोल गया हो,
क्या पता गाकू की वजह से उसने ऐसा बोला हो। वो जो है यहाँ पर सुजुकू कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कि वो हारू जो है एक बहुत अच्छा डांसर है और मुझे पता था कि वो ना एक दिन मुझे छोड़कर चला जाएगा आगे, क्योंकि वो मेरे से बहुत ही अच्छा डांसर है। यहाँ पर फुजिता कहता है कि तुम उससे जाकर बात कर सकती हो। सुजुकू कहती है कि उसका कोई पॉइंट नहीं है अभी बात करने का। तो यहाँ पर वो कहता है फुजिता कि मुझे जो है इस बैटल को, तभी उसका मुंह वो रोक लेती है। वो कहती है कि तुम्हें जो है अच्छा डांस करना चाहिए क्योंकि तुम्हें कियोहारू देख रहा है, और साथ में ये भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं भी बहुत ही अच्छा डांस करने वाली हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कियोहारू मुझे भी देख रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मीको आ जाती है। यहाँ पर मीको जो है फुजिता को देखकर बोलना चाहती है। फुजिता कहता है कि मुझे जो है इस डांस को जीतना ही पड़ेगा, मुझे जीतना पड़ेगा सुजुकू के अगेंस्ट, सुजुकू को मैं हराऊंगा। यहाँ पर उसे कियोहारा की बात याद आती है कि उसे डांस करते वक्त एक फ्रेम की तरह बनना पड़ेगा। तब हम देखते हैं कि यहाँ पर फुजिता पूछता है कि बोलता है कि मैं जो हूँ अब डांस नहीं करूँगा, तुम डांस करोगी, मैं तुम्हारे साथ बस एक फ्रेम की तरह ही रहना चाहता हूँ, बताओ क्या तुम जीतना चाहती हो सुजुकू के साथ। हम देखते हैं कि यहाँ पर डांस स्टार्ट ही होने वाला होता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फुजिता कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से तुम्हारे रास्ते में आऊँ और किस तरह से तुम्हारे लिए यूजफुल बन सकता हूँ। यहाँ पर ये बात जो है सेम मीको ने कही थी गाकू को, बट गाकू ने उस वक्त ये कहा था कि तुम जो हो यहाँ से चली जाओ। यहाँ मीको फॉलो करना चाहती है गाकू को, बट गाकू जो है बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। बट यहाँ फुजिता सामने से पूछता है मीको से कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ डांस के अंदर, कैसे डांस करना चाहती हो तुम, जैसा तुम कहोगी उसी तरह से मैं डांस करूँगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैं जो हूँ खिलना चाहती हूँ किसी फूल की तरह। वेलकम टू बेलरूम के अगले एपिसोड में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट देखेंगे जो डांस के अंदर यूज होता है, जिसका नाम फ्लावर एंड फ्रेम होता है। फ्लावर एंड फ्रेम के बारे में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है जानने की, तो तुम गूगल भी कर सकते हो या फिर वेट कर सकते हो मेरे अगले एपिसोड का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओवर एंड आउट।